कर दिया हो। अब बचे महाराज, महाराज को किसी तरकीब से खत्म कर देती हूँ। महाराज को किस कैसे होंगे खत्म कर दी। क्या लगे अभी आराम नहीं हुआ। नहीं स्वामी जी, गोविंद का बेटा अभी तक लौट कर नहीं आया और ऐसा लगता है कि मेरी जान निकलने नहीं है। स्वामी, वो दवा पा गया होगा तो बहुत जल्द वापस आएगा। स्वामी जी, इस रात में रहते रहते मेरा जी उठ रहा है, क्यों ना मुझे अपने चमन में घुमा दो। ठीक है, जब ये बात है तुम चमन के शहर करना चाहती हो तो चलो हम तुम्हें शहर करा रहे हैं। देखो कितना अच्छा मौसम है, क्या चांदनी निकली है, देखो चारों तरफ हरियाली है। आज मौसम दीवान है, पंछी लोग हैं वहाँ कुछ नहीं। स्वामी जी चलकर देखिए तो जरा। ठीक है चलो हम चलकर देखते हैं। चलिए चमन में आ गए अपने चमन में हो। चमन में बहुत पुराना कुआं है,
और देख लू साथ उसमें पानी हो तो मिल सकता। ठीक है जाकर देखिए अगर पानी मिल जाए। चलो भाई पानी पियो लेकिन भाग देवायो। क्या देवर हूँ आज पानी पियाऊंगा। पानी पियाओगे क्यों? परी है लेकिन बीजे में जाऊंगे ना कुछ पानी साफ खा। कोई बात नहीं है के पानी भर लीजिए। हाँ पानी भैया कुंडी फंस गए हो। मेरी फंस गई कोई बात नहीं हम सब लोग मिलकर इसे निकालते ब्यूटी सुनो Oh!
चाहती हो, अब तुम लोगों की न मौजूदगी में तुम्हारी नाम सीता नाथ में चमन की शहर खड़ा हो। मैंने सोचा इसकी तबीयत खराब है, चलो जब तक दवा नहीं आती मैं इसके दिल को बहलाऊं। लेकर चमन के अंदर आया और चमन के अंदर तुम्हारी मां को लेकर चारों तरफ घुमा रहा था तो दौड़कर कुएं के करीब गई। उसने कहा ना इस कुएं में अजीब सा दिखाई दे रहा है। मैंने कहा वो पुराना कुआं है, वहां कुछ नहीं है। लेकिन उसने कहा स्वामी जरा करीब चलकर देखो। जब कुएं के करीब पहुंचा और नीचे की तरफ झुककर झांकने लगा तो पीछे से धक्का देकर कुएं में ठेल दिया। चम्मा आपके साथ ऐसा कर सकती है तो मेरी माँ तो महल के अंदर अकेली होगी, न मालूम मेरे माँ के साथ क्या क्या जुर्म कर रही होंगे। नहीं भैया, जब माँ पिता के साथ ऐसा जुर्म कर सकती है तो मेरी माँ तो महल के अंदर इस वक्त अकेली है, न जाने मेरे माँ के ऊपर क्या जुर्म कर रही होंगे। वो हर्ष होती है जब वो अपने सुहाग को मिटा देना चाहती है तो बड़ी रानी को तो कतई नहीं छोड़ेगी, वो मार डालेगी। सब लोग चलो मेरे साथ, चलो मैं अभी चल रहा हूं।